एक ऐसे गायक जिनके पहले ही गाने ने बॉलीवुड गलियारों में तहलका मचा दिया और लोगों में इनका जबरदस्त क्रेज बन गया। एक मुलाकात हूँ तू मेरे पास हूँ जीने। एक वर्सेटाइल सिंगर जिनके गाए ज्यादातर गाने सुपरहिट रहे और कुछ ही गानों के बाद इनकी गिनती फिल्म इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स में होने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से होने के बावजूद इस सक्सेसफुल सिंगर ने अपने करियर की शुरुआत में इतने कठोर दिन देखे जब इन्हें सालों रिकॉर्डिंग स्टूडियोज के चक्कर काटने पड़े और बड़े सिंगर से अपमानित होना पड़ा। तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। और क्या आप मानेंगे कि एक सिंगिंग रियलिटी शो में इन्हें एक फेमस सिंगर ने क्वालिफाइंग राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया? और क्या आप यकीन करेंगे कि तमाम रिजेक्शन और अपमान झेलने के बावजूद लोगों ने इनकी आवाज को इतना पसंद किया कि कुछ ही सालों में ये टॉप के सिंगर बन गए? तो कैसे बने ये सिंगर और बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के कैसे इन्होंने बहुत ही कम समय में फिल्म इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इतना बड़ा नाम और मुकाम हासिल किया? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने इन्हें अचानक देशद्रोही करार दे दिया, तो साथ ही इनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठने लगी? और क्यों तमाम आरोपों के बावजूद देश के प्रधानमंत्री ने इनकी तारीफ के पुल बांध दिए? बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़े और भी कई राज। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की शान और मेलोडियस आवाज के किंग जुबिन नौटियाल की। जुबिन का जन्म 14 जून 1989 को देहरादून में हुआ। इनके पिता रामशरण नौटियाल एक बिजनेसमैन और उत्तराखंड में पॉलिटिशियन हैं और मां नीना नौटियाल का भी अपना एक अलग बिजनेस है। जुबिन जब 4 साल के थे तभी से इनका इंटरेस्ट संगीत की दुनिया में होने लगा, क्योंकि इनके पिता को भी सिंगिंग का शौक था। जुबिन ने 8वीं तक की पढ़ाई देहरादून के सेंट जोसेफ स्कूल से की, जिसके बाद इनका दाखिला देहरादून के ही वेलहम बॉयज स्कूल में करा दिया गया, जहां इन्होंने म्यूजिक को अपना सब्जेक्ट चुना और क्लासिकल म्यूजिक में अपना बेस तैयार किया। अपने स्कूल टाइम से ही जुबिन गाने के साथ साथ गिटार, पियानो, हारमोनियम और ड्रम्स वगैरह बजाया करते। बताया जाता है कि 18 साल की उम्र तक जुबिन अपने होम टाउन देहरादून में अपनी सिंगिंग के लिए काफी फेमस हो चुके थे। ये लाइव परफॉर्मेंस दिया करते और उससे मिले पैसों को चैरिटी में दे दिया करते। स्कूल खत्म होने के बाद जुबिन साल 2007 में मुंबई आ गए और मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इस दौरान ये सिंगिंग की ट्रेनिंग भी लेते रहे और फिल्मों में गाने की मौके की तलाश करते रहे। बताया जाता है कि इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद ये किसी तरह AR रहमान के स्टूडियो पहुंच गए, जहां रहमान साहब से इन्हें 5 मिनट के लिए मिलने का मौका मिला। जुबिन ने जब उन्हें अपना गाना सुनाया और काम के लिए पूछा तो उन्होंने जुबिन की आवाज की तारीफ की, लेकिन साथ ही इन्हें सलाह दी कि म्यूजिक इंडस्ट्री में आने से पहले कुछ और साल इन्हें अपनी आवाज पर मेहनत करना चाहिए। रहमान साहब की इस सलाह को जुबिन ने दिल से लगाया और उनकी बात को स्वीकार करते हुए वापस अपने होम टाउन देहरादून चले आए और अपने स्कूल की म्यूजिक टीचर वंदना श्रीवास्तव से ट्रेनिंग लेने लगे। इतना ही नहीं, अपने गुरु सामंत से ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की भी ट्रेनिंग लेने लगे। जुबिन ने पूरे 4 साल खुद को पॉलिश करने में बिताया। फिर छन्नू लाल मिश्रा से क्लासिकल गाने की ट्रेनिंग लेने के लिए ये बनारस चले गए। इसके बाद चेन्नई के म्यूजिक एकेडमी से इन्होंने वेस्टर्न म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली, जहां इन्हें फेमस गिटार वादक प्रसन्ना से सीखने का मौका मिला। फिर साल 2011 में जुबिन ने टेलीविजन म्यूजिक रियलिटी शो एक्स फैक्टर में पार्टिसिपेट किया। खबरों के अनुसार जुबिन ने इस शो में सोनू निगम, संजय लीला भंसाली और श्रेया घोषाल को ऑडिशन दिया। बताया जाता है कि श्रेया को जुबिन की आवाज पसंद आई और वो इन्हें आगे ले जाना चाहती थी। हालांकि सोनू निगम ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया और तीसरे जज यानी संजय लीला भंसाली न्यूट्रल मोड में थे।
खैर, श्रेया घोषाल के कहने पर जुबिन को इस शो में अपनी जर्नी कंटिन्यू करने का मौका मिला। हालांकि कुछ ही राउंड्स के बाद इन्हें शो से फिर से एक बार बाहर कर दिया गया। बताया जाता है कि इस एलिमिनेशन से जुबिन को गहरा धक्का लगा और इन्हें अपने सपने टूटते हुए नजर आने लगे। हालांकि इन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियोज और म्यूजिक हाउसेज के चक्कर लगाने लगे। जुबिन की लगन और इनका जुझारूपन देखकर कुछ स्टूडियोज ने इन्हें गाने के स्क्रैचेस गाने का मौका दे दिया। आपको बताते चले कि किसी भी गाने की फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले उस गाने का धुन तैयार करने के लिए उसे छोटे मोटे सिंगर्स या इंटर्न से गवाया जाता है, ताकि मेन सिंगर उस गाने की धुन, लय और ताल समझ सकें। म्यूजिकल टर्म में इसी को गाने का स्क्रैच कहा जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो जुबिन ने करीब 150 से भी अधिक गानों का स्क्रैच गाया। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान जुबिन से जब इनके स्ट्रगल फेज के बारे में पूछा गया तो इन्होंने बताया कि इन्हें कभी भी गानों का स्क्रैच गाने में बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये हमेशा यही मानकर उसे रिकॉर्ड करते थे जैसे वो गाना इनकी आवाज में ही फाइनल रिकॉर्ड हो रहा हो। खैर, जुबिन की मेहनत आखिरकार रंग लाई जब इनका गाया स्क्रैच एक बार अक्षय कुमार के पास जा पहुंचा। दरअसल साल 2014 में जुबिन ने अक्षय कुमार स्टारर फिल्म द शौकीन्स के गाने मेहरबानी के लिए स्क्रैच गाया, जिसे सुनने के लिए उस फिल्म के एक्टर अक्षय कुमार के पास भी भेजा गया। लेकिन जब अक्षय ने जुबिन की आवाज में मेहरबानी गाने का स्क्रैच सुना तो जुबिन की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्म के मेकर्स से ये कह दिया कि उन्हें ये गाना एज इट इज यानी जुबिन की आवाज में ही फाइनल चाहिए। बताया जाता है कि अक्षय की डिमांड पर इस गाने को जुबिन की आवाज में ही फाइनल कर दिया गया और जब फिल्म रिलीज हुई तो ये गाना सुपरहिट रहा। हालांकि भले ही जुबिन को सबसे पहले फिल्म द शौकीन्स का मेहरबानी गाना गाने का मौका मिला, लेकिन फिर भी ये इनका पहला रिकॉर्डेड गाना नहीं माना जाता। दरअसल जुबिन की आवाज में इस गाने के फाइनलाइज होने और द शौकीन्स रिलीज होने से पहले ही जुबिन को फिल्म सोनाली केबल का गाना एक मुलाकात गाने का मौका मिला। और सोनाली केबल अक्षय कुमार की फिल्म द शौकीन्स से पहले रिलीज हो गई और इसीलिए बॉलीवुड में जुबिन का पहला रिकॉर्डेड गाना सोनाली केबल का एक मुलाकात बन गया। एक मुलाकात हो तू मेरे पास हो जीने। अपने पहले ही गाने की जबरदस्त सफलता से जुबिन रातों रात स्टार सिंगर बन गए और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद साल 2015 में इन्हें सलमान खान स्टारर फिल्म बजरंगी भाईजान समेत 5 फिल्मों के गानों में अपनी आवाज देने का मौका मिला, जिनमें ज्यादातर गाने हिट रहे। कुछ तो बता साल 2016 इनके लिए बेहद सफल रहा और इन्हें फितूर, रुस्तम और राज रिबूट जैसी फिल्मों के लिए गाने का मौका मिला और इन सभी फिल्मों में गाए इनके सभी गाने सुपरहिट साबित हुए। जो मैं कहता जो सुनता ढल जाऊं तुझ में गुल जाऊं। साल 2017 में इन्होंने ओके जानू, काबिल, जॉली एलएलबी 2, कमांडो 2, ट्यूबलाइट और बादशाहों समेत 9 फिल्मों के गाने गाए और ये सभी गाने सुनने वालों की जुबान पर चढ़ गए। मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल। एक बारी आ भी जाया, एक बारी आ। खासकर फितूर और जॉली एलएलबी 2 के गानों ने इनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए। साल 2018 में इन्होंने दिल जंगली, हेट स्टोरी 4, बागी 2 और लव यात्री समेत 10 फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी। फिर साल 2019 में कबीर सिंह, पागलपंथी और दबंग 3 समेत इन्होंने 15 फिल्मों के गानों को अपनी आवाज से सजाया। तुझे कितना चाहे और हम सो गया ये जहां, सो गया आसमान, सो गया। साल 2020 और उसके बाद जुबिन के हिट गानों की बात करें तो 2020 में आई फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D से बेजुबान और फिल्म लव आजकल से शायद जैसे गानों ने इनकी लोकप्रियता को बढ़ाने का काम किया। बेजुबान
तो वहीं साल 2021 में आई फिल्म शेर शाह से राता लंबियां और साल 2022 में आई फिल्म थैंक गॉड से मानिके ने सुनने वालों को जुबिन का दीवाना बना दिया। तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर, कितने चलिए। नशा सा तेरा हो गया है, दिल ये मेरा हो गया है, तू ही तो मना है, तू ही तो चाह। वहीं साल 2023 की शुरुआत इन्होंने फिल्म मिशन मजनू के गाने रब्बा जानदा से की, जिसने इनकी फैन फॉलोइंग को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। इसके बाद आई फिल्म आदि पुरुष से जय श्री राम, गदर 2 से उर्जा काले कावा और फिल्म ड्रीम गर्ल 2 से दिल का टेलीफोन जैसे गानों ने सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्मों के अलावा जुबिन ने अपने करियर के दौरान पुराने गानों के रीमेक, वेब सीरीज और एल्बम्स में भी गाने गाए और फिल्मों की तरह ही यहाँ भी इनके ज्यादातर गाने सुपरहिट रहे। इसी तरह के कुछ नोटेबल गानों की बात करें तो साल 2018 में टी सीरीज का गाना हमनवा मेरे, साल 2020 में दिल चाहते हो, तारों के शहर में और बेवफा तेरा मासूम चेहरा सुपरहिट रहे। चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में। साल 2021 में इमरान हाशमी पर फिल्म आया टी सीरीज का गाना लुट गए की सफलता ने जुबिन के करियर के ग्राफ को बहुत ऊपर उठाने का काम किया, तो इसी साल आया इनका गाना वफाना रास आई भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इसी साल आया इनका गाना दिल गलती कर बैठा है भी सुपरहिट रहा। हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं। हिंदी गानों के साथ ही जुबिन ने नेपाली, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली भाषाओं में भी गाने गाए और हिंदी की तरह ही इन भाषाओं में गाए भी इनके ज्यादातर गाने हिट रहे। हवा के सुरों पे उड़ा चला जाए रे तेरी धुन जो लगी शफल। वहीं इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो बताया जाता है कि जुबिन एक इंट्रोवर्ट हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं और अब तक सिंगल हैं और फिलहाल अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। शू तू पण मम्मी नहीं करनी शादी। ये शूटिंग और मार्शल आर्ट्स में पारंगत हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के लिए जाने जाते हैं। साल 2021 में दिल गलती कर बैठा है गाने की शूटिंग के दौरान जब इन्हें गाने के एक सीन के लिए एक्ट्रेस मौनी रॉय को किस करने के लिए कहा गया तो इन्होंने इस तरह के किसी भी सीन के लिए साफ इनकार कर दिया। दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर। वहीं जुबिन से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो इनका नाम सितंबर 2022 में तब अचानक सुर्खियों में आ गया जब लोग सोशल मीडिया के जरिए इन्हें बायकॉट और गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। दरअसल ये सारा हंगामा जुबिन के यूएस में होने वाले एक कॉन्सर्ट को लेकर हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबिन ने अपने आगामी कॉन्सर्ट को लेकर एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्टर शेयर किया जिसमें ऑर्गेनाइजर का नाम सामने आने के बाद लोग भड़क गए। दरअसल इस पोस्टर में जय सिंह का नाम था जो जुबिन नौटियाल के कॉन्सर्ट का आयोजन करवा रहा था। खबरों के अनुसार जय सिंह को एक प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन से जुड़ा हुआ बताया गया और कहा गया कि पिछले 30 साल से पुलिस इस क्रिमिनल की तलाश कर रही है। जय सिंह के ऊपर ड्रग तस्करी से खालिस्तान को सपोर्ट करने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में दावा किया गया कि जुबिन नौटियाल और जय सिंह के बीच संबंध है जिसकी वजह से लोग जुबिन को देशद्रोही बताकर इनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मामला बढ़ता देख आयोजकों ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी कि इस कॉन्सर्ट को कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद जुबिन ने भी एक ट्वीट कर बताया कि अब ये उस कॉन्सर्ट का हिस्सा नहीं है और लोग कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। बताया जाता है कि कॉन्सर्ट कैंसिल होने की जानकारी के बाद लोगों का गुस्सा शांत हो गया।
वहीं हाल की बात करें तो जुबिन का नाम सोशल मीडिया पर एक बार फिर ट्रेंड करने लगा जब देश के प्रधानमंत्री ने एक्स के जरिए जुबिन का एक गाना शेयर करते हुए इनकी प्रशंसा की। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां धूमधाम से की जा रही हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी बीच अब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए भगवान श्री राम का एक मधुर भजन साझा किया। साथ ही भजन के गायक जुबिन नौटियाल, लेखक मनोज मुंतशिर और म्यूजिक कंपोजर पायल देव की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने मेरे घर राम आए हैं भजन साझा करते हुए लिखा, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर पर अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो रहा है। राम लला की भक्ति से ओतप्रोत जुबिन नौटियाल जी, पायल देव जी और मनोज मुंतशिर जी का यह स्वागत भजन दिल को छू लेने वाला है। प्रधानमंत्री के इस पोस्ट शेयर करने के बाद एक बार फिर ये भजन और जुबिन नौटियाल दोनों ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। साल 2014 में अपने डेब्यू के बाद धीरे धीरे जुबिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बनाते चले गए। हालांकि इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद ये खुद को सक्सेसफुल नहीं मानते। इनका कहना है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में इनकी सफलता सिर्फ एक जर्नी है और अभी तो लाइफ में इन्हें बहुत कुछ करना है। खैर, हम भी यही दुआ करेंगे कि जुबिन को अपनी मंजिल जरूर मिले। इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये जुबिन नौटियाल स्पेशल एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी जुबिन नौटियाल से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।